또 아기보다는 넥스트 에카데믹 세션에 두번 애진 디제스피를 보자고 넥스트 세션에 다른 세컨드리 스쿨 or 세컨드리 스쿨 다음에 서핏 디제스 소리에 와하피 사라 소스타트 디제스 와하피 보스트 보자인게 तो एजुकेशन जो एक ऐसा चीज है कि केवल डिपार्टमेंट को ऊपर में छोड़ने से नहीं होगा हम लोग अपना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है जितने भी जो हमारे पेरेंट्स हैं आप लोगों को भी शिक्षा के माध्यम में थोड़ा कंसर्न होना बहुत जरूरी है और खास करके जो हमारे यूथ है जो लोग कॉलेजेस और स्कूल में जो पढ़ते हैं हम लोगों को मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा कि बाहर की दुनिया में आप चाहे कुछ भी काम करने का प्रयास करें हर एक क्षेत्र में कॉम्पिटिशन का जमाना है तो अभी आप लोग अगर स्कूल में है या कॉलेजेस में है या यूनिवर्सिटी में है तो अभी सही मौका है आप लोगों को जैसे पढ़ाई लिख के बाहर आने के लिए ये मौका फिर बार बार आप लोगों को नहीं मिलेगा और आप लोग अभी स्कूल में जाते हैं कॉलेजेस में जाते हैं तो आप लोग ये एक चीज़ जरूर याद करें कि आप लोगों को स्कूल कॉलेज में माँ पिता जी बहुत मेहनत करने के बाद आपको भेजते हैं कोई भी लोग वहाँ गाँव में खेती करके बहुत अपना पैसा वो जमा करके आप लोगों को स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं तो वहाँ पर जी का आशा होता है कि पढ़ लिख के बच्चे कुछ ऑफिसर बने कोई गवर्नमेंट जॉब में काम करे या कोई अच्छा बिजनेसमैन बने तो उन लोगों का आशा को निराशा नहीं करना है क्योंकि आज यहाँ पे काफ़ी बच्चे लोग भी यहाँ पे है तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई आशा से ध्यान दीजिएगा और मैं अभी ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज हमारे वहाँ पे यूनियन होम सेक्रेटरी भी आया हुआ है और हमारे सेलिब्रेशन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी आया हुआ है तो वहाँ वापस जाके मेरा काफ़ी मीटिंग है और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक अलग सा एक छवि मिला है पहले पुराना सिस्टम में क्या था कि यहाँ के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो भी हुआ करते हैं वो लोग बार बार दिल्ली जाना पड़ता है तो नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ में दिल्ली में जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स को आदेश दे के रखा कि नॉर्थ ईस्ट का जो टूर है वो हर एक 15 दिन में जाके करना है तो अभी हमको एस एम चीफ मिनिस्टर हमको दिल्ली जाना जरूर नहीं पड़ता है हमको केवल इकलौता में बैठ के अपना यहाँ राज्य में टूर करने से होता है क्योंकि दिल्ली वाला खुद चल के अपना राज्य में आता है इसलिए आप लोगों को देखने को मिला होगा इसलिए काफ़ी महीनों से यहाँ पे बहुत सारा यूनियन मिनिस्टर्स भी आके जाते हैं मीटिंग करके जाते हैं बहुत सारा सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर पूरे डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट का टीम है वो पूरे यहाँ आके यहाँ पे रिव्यू मीटिंग लेके यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम क्या है उसको लेके तब वो लोग दिल्ली चला जाता है तो मोदी साहब का नरेंद्र मोदी साहब का जो फोकस है नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए उस डेवलपमेंट का अभी तेजी रफ्तार अभी पकड़ रहा है आने वाला दिनों में हमें पूरा आशा है कि आप सबका सपोर्ट के माध्यम से अरुणाचल को भी एक नया पहचान मिलेगा अरुणाचल का भी जो डेवलपमेंट है उसको भी हम लोग एक नया हाइट तक हम लोग पूरे मिल के ई अरुणाचल का कॉन्सेप्ट को देखते हुए उसको मिल के हम लोग लेके जा पाएंगे तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आपके ऑकेजन में आप सभी को मैं इंजीनियर्स के दिए गए शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ साथ में यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छे दिन में आपने हमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया है और आने वाले दिनों में आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें आप लोगों का जो भी आप लोगों का डिमांड या जो भी रिक्वेस्ट होगा हम अपने ओर से जितना हो पाएंगे आप लोग को हम पूरा मदद करेंगे इन्हीं जनसभाओं के साथ मैं अपनी ओर से और हमारा मिनिस्टर की ओर से यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको मैं एक तरह से गीत दे के जाना चाहूँगा इसी के साथ मैं अपना शब्दों को यही विराम देता हूँ थैंक यू जय हिंद जय अरुणाचल।